बीनू तुम थक गए होगे, अंदर जाके आराम करो। आओ साईं, बीनू जिस तरह से आपकी बात मान रहा है, ऐसा लग रहा है मानो आप ही उसके बाबा हो। मुझे मेरे गुनाहों की जो सजा मिले, अब मुझे डर नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है साईं, बीनू के सर पे आपका हाथ है। तुम्हारी परिस्थितियों को देखते हुए तुम्हें सजा देने की इच्छा नहीं है। जिस दिन मुझे मेरे साई बाबा मिले, उस दिन एक मासूम बच्चे को उसके पिता से दूर करना लेकिन मैं मजबूर हूं। जोशी जी, दोषी को सजा उसे सुधारने के लिए दी जाती है ना। कोंडिबा ने अपना सबक सीख लिया है, उसने जिससे भी गहने चुराए हैं वो वापस भी कर दिए जाएंगे। तो जोशी जी, ऐसी हालत में क्या कोंडिबा की सजा माफ नहीं की जा सकती? कोंडिबा के पास दो रास्ते हैं। या तो 1 साल कारावास या 100 रुपए की जमानत। यदि 100 रुपए मेरे पास होते तो मैं चोरी ही क्यों करता? आई तो बाबा 1 साल तक घर नहीं आ पाएंगे। नहीं बेटी, तुम्हारे बाबा आज ही घर आएंगे। जोशी जी, जमानत के 100 रुपए मैं दे देता हूं। नहीं नाना, इसकी जमानत का इंतजाम तो मालिक ने खुद कर रखा। इन पंछियों से ज्यादा आजाद कौन है? यही तुम्हारी आजादी की उड़ान है। सही, मैं कुछ समझा नहीं। यह अवश्य साई का संकेत है। साई चाहते हैं कि हम इन पंछियों का पीछा करें। चलिए चलिए। बाबा 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 बाबा, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास ही आएंगे। थोड़ा सा इंतजार कर साई। हम इसे अपने साथ ही ले जाते हैं, क्या आपको परेशान कर देगा? हमेशा तो ये आई बाबा की छाया में छिपकर नहीं रह सकता ना, किसी दिन तो धूप में आना ही पड़ेगा। आप जाइए बाबा, मैं इसकी देखभाल कर लूंगा। तुम्हारे आई बाबा थोड़ी ही देर में आ रहे हैं, तब तक तुम आराम करो। साई।
ये चिड़िया तो यहां रुक गई। साहेब, यहां पर तो साई ने सारे समन गढ़वाए थे। यहां? लेकिन क्यों? साई लीला, आप यहां खोद के देखिए, उत्तर मिल जाएगा। महिमा मेरे साई कौन जान पाया। लिफाफा इतना भारी क्यों है? Oh,
लीजिए चांदोरकर जी। अठानवे, निन्यानवे, सौ। जोशी जी पूरे 100 रुपए हैं, कोंडीबा की जमानत के पैसे। ये लीजिए। कोंडीबा, इन पंछियों ने तुम्हें आजादी का मार्ग दिखा दिया। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है, झूठी राह पे क्यों गणपत जिए है, इसे रिहा करो। एक राह ही है, हरि का काम, हरे कृष्णा। काले धंधे विष के वृक्ष है जानले बंदे, अमृत है मेहनत की कमाई, अमृत जैसे हरि का नाम। हरे कृष्ण, अब समझ आया। हरे कृष्ण हरे राम। साई ने ये समन्स यहाँ इसलिए नहीं गड़वाए कि वो कानून की उपेक्षा कर रहे थे। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया ताकि कोंडीबा यहाँ आए और नाना जोशी जी यहाँ है और साई दोनों की मदद कर सके। साई, आज मुझे इन बच्चों के साथ खेलकर बहुत अच्छा लग रहा है साई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे ठीक कर दिया। साई, मैं चाहता हूँ कि मेरा आई बाबा लौटे और मुझे इस ठीक हालत में देखे। साई, वो तुम्हें देख रहे हैं बेटा। आई, आपकी लीलाओं को कोटि कोटि प्रणाम साईं। उसके पिता से मिलाना रामजी का आदेश था, पालन तो करना ही था।
अल्लाह मालिक। राम जी भला करें। तुम्हारी बहन तुम्हें हिम्मत दे रही है, यकीन दिला रही है कि जैसे ये उड़ सकी वैसे ही तुम भी उड़ सकते हो। इसकी बात पे भरोसा रखो। तुम दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ति हो। राम जी तुम्हारे प्रेम की रक्षा करें। प्रणाम साईं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। कैसे हो श्रीकांत? आपकी छत्र छाया में सब सुखी हैं। मैं पाठशाला जा रहा हूं। कैसी चल रही है पाठशाला? आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है साईं। इस बार पाठशाला में कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो बहुत मेहनती भी हैं, बुद्धिमान भी, और पाठशाला का नाम रोशन करेंगे। खासकर की चौथी कक्षा में एक लड़का है अशोक। उसकी पढ़ाई, उसकी मेहनत, उसकी लगन देखकर ऐसा लगता है कि इस साल की चौथी की परीक्षा नतीजे में वो ना केवल पाठशाला में बल्कि पूरे जिले में अव्वल आएगा। उसकी मेहनत को अपनी मदद से पोषित करते रहना श्रीकांत। राम जी सब अच्छा करेंगे। मैं चलता हूं। इन्हें देख के हमें अपना बचपन याद आता है, है ना? हाँ दादे। साई कहते हैं बच्चों की खुशी भरी हंसी सृष्टि का सबसे मधुर संगीत है। गोपी आज तेरे मौजी वंदन की रस्म में थी ना? हाँ पूरी हो गई। अरे देखो बाबा ने क्या दिया है। असली सोने की है। आई कह रही थी कि मैं इसके लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन बाबा ने कहा छोटा बड़ा क्या होता है। मेरा बेटा पूरी शिर्ड में सबसे खास है, उसको सबसे अलग दिखना चाहिए। बहुत सुंदर है और बहुत महंगी भी। आई बता रही थी शिर्डी में कई लोग इतना एक साल में भी नहीं कमाते होंगे, इतनी महंगी है। सोने की है ना, ये तो प्रहलाद के पास भी है।
पर इसकी पतली थी, मेरी ज्यादा मोटी, ज्यादा बड़ी और ज्यादा पैसों की है। एक बार मैं पहन के देख सकता हूँ? पागल है क्या? देख तेरे हाथ कितने गंदे, तू खराब कर देगा इसे। इतना ही शौक है तो खुद खरीद लेना अपने लिए। गोपी ऐसा नहीं बोलते, तुम जानते हो ना सब इतनी महंगी मालाएं नहीं खरीद सकते। कोई बात नहीं चेतन, तुम मेरी माला पहन लो। मैंने तो प्रहलाद, मैं ऐसे ही मांग रहा था। प्रणाम साई। क्या हुआ साई, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे? चेतन चलो ना खेलते हैं। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ मुझे बस थोड़ी देर बैठना है, तुम सब खेलो। के पेड़ से अमरूद तोड़ के लाए, चेतन को अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, शायद वो खुश हो जाए। ठीक है, अच्छा है। इतना ही शौक है तो खुद खरीद लेना अपने लिए। तुम्हारी माला सोने की होगी तो होगी, मैं अपनी माला खुद बना के पहनूंगा। भी है चेतन, कितना खतरनाक काम करने जा रहे थे तुम। माफ कीजिएगा साईं, हम काम में लगे हुए थे, बच्चों पर ध्यान ही नहीं था कुछ देर से। हाँ साईं,
गोपी सोने की माला पहन के आया था। मैंने एक बार पहनकर देखने के लिए मांगी तो मना कर दिया, बोला अपनी लेके आओ। साईं, मेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है तो मैंने इस रस्सी से माला बना ली। माला नहीं, फांसी का फंदा होने वाली थी। तुम्हारे गले में अटक जाती तो चेतन, किसी और के गले की माला देखकर खुद के गले में रस्सी डाल लेना बहुत बड़ी नासमझी है। राम जी ने जो दिया है हमें उसी में संतोष करना चाहिए, उसके हिसाब से रहना चाहिए। अपनी मेहनत और लगन से उसे बढ़ाना चाहिए। बड़प्पन, दिखावे और बराबरी की जिद अक्सर हमें मुश्किलों की खाई में डाल देती है। साई, हम चेतन को खुश करने के लिए ये अमरूद लाए हैं। मुझे खुशी है कि तुम सब अपने दोस्त की खुशी का इतना ख्याल रखते हो। गोपी, हमें कोई भी अच्छी चीज मिले तो उसकी खुशी जरूर जाहिर करनी चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार पालना गलत है। उसकी वजह से किसी का दिल दुखाना गलत है, क्योंकि देने वाला तो मालिक है, हम बस उसकी कृपा बटोर रहे हैं। ईश्वर जब भी हम पे कृपा करे तो हमारा ये फर्ज होता है कि हम दूसरों से खुशियां बांटें, और अगर नहीं बांट सकते तो कम से कम किसी का दिल ना दुखाए। मना करने के कई तरीके हो सकते हैं जिससे सामने वाले को बुरा ना लगे। हाँ साई, मैंने गलत किया, अब से नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दे चेतन। ठीक है। चेतन, ये लो मेरी माला। शुक्रिया। इतना कर्जा मत लीजिए, पर आपने कुछ नहीं सुना। जरूरी है बेटियों के अच्छे घर में शादी हो, लेकिन आपकी तो जिद थी ना, दोनों बेटियों की शादी बहुत बड़े घराने में करनी, और ऊपर से शादी के वक्त आप उनकी बराबरी करने लग गए। कर्जा लेकर बेटियों को गहनों से लाद दिया, बड़ी बेटी के वक्त खेत बेच दिए, और दूसरी बेटी की शादी के वक्त घर गिरवे रख दिया। हाँ तो अपनी बेटियों के लिए तो किया ना, क्या गलत किया? अरे बेटी धूमधाम से ब्याही जाएगी तभी तो उसे ससुराल में इज्जत मिलेगी, नहीं तो बड़े खानदान वाले लोग उसे ताना नहीं देंगे। सोचा था काम करूंगा, पैसे कमाऊंगा, चुका दूंगा कर्ज, लेकिन नसीब ने साथ नहीं दिया।
इस पर भी तुम मुझे ही कोसोगी? मैं बस इतना जानती हूँ कि अब हम कुलकर्णी सरकार के बंदी बन चुके हैं। तुम उसकी चिंता मत करो, राहता का एक बड़ा साहूकार मेरा दोस्त है, मैंने बात कर रखी है उससे, उससे पैसे उठाकर सरकार से लिए हुए कर्ज को चुका दूंगा। हाँ, ब्याज दोगुना है पर हमें समय तो मिल जाएगा। तो पागल हो गए हो? कर्जा चुकाने के लिए दुगने ब्याज पे कर्जा लेंगे और चुकाएंगे कहां से? आज तक मैंने आपको अपनी मनमानी करने से कभी नहीं रोका, लेकिन इस बार मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। अरे तो फिर तुम चाहती क्या हो? आपका ये बेकार का दिखावा और उसके लिए बेकार के खर्चे बंद कर दीजिए। वहां देखिए, वो बच्ची जिसकी अभी शादी की उम्र हो रही है, और एक बेटा जो भी पढ़ रहा है। इन्हें मजदूर बनाने की बात कर रहा था वो कुलकर्णी। जान जल रही है मेरी, मुझे नहीं पता हम इस सबसे बाहर कैसे निकलेंगे और निकल पाएंगे भी या नहीं। मैं बस आपके हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, इसके बाद हमें किसी और मुसीबत में मत डालिए। कुलकर्णी सरकार ने हमें रहने के लिए छत तो दी है, आपका वो साहूकार हमसे ये भी ना छीन ले। मुझे माफ कर दो, मेरे पास कोई और उपाय नहीं है इस मुसीबत से तुम सबको बचाने का। तरीका तो है ना, साई ने बताया था। साई, हम पहुंच गए साकोरी की सीमा पर। में पानी ले आना। जी साई। Thank you.
जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। आज राम जी को साक्षी मानकर आपकी यहां स्थापना की है हनुमान जी, ये काम अब आपके जिम्मे है। कौन सा काम साई? किसी को वही आजादी दिलाने का जो कभी तुम्हें मिली थी। लेकिन साहिब, विवाह रात होने को है, अब हमें वापस लौटना चाहिए। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। ये क्या हो गया राघव? मुझे अभी पता चला। मैंने कहा था ना तुमसे, तुम खानदानी रईस नहीं हो। बेटियों की शादी सादगी से हो सकती थी, पूरे गांव को दावत देने की क्या जरूरत थी? बताओ, तुम अपने ही घर से बेघर हो गए और ऊपर से सरकार के गुलाम, पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा तुम सबको। सच में शायद बहुत कुछ झेलना पड़ेगा हमें। पापा, जो भी हो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। लेकिन अशोक तो अभी बहुत छोटा है, हम उसे बंधुआ मजदूरी करने कैसे दे सकते हैं? और कोई चारा नहीं है बेटी। चारा है ना, हम अशोक को साई के पास छोड़ देंगे, वहां उसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। नहीं ताई, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा। अशोक, साई तेरा मुझसे भी अच्छा ख्याल रखेंगे, वहां तेरी पढ़ाई भी नहीं रुकेगी। नहीं ताई, मैंने कहा ना, मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। सरकार नहीं मानेंगे, उन्होंने हम चारों को ही गुलाम बनाया है। अगर अशोक को द्वारका माई भेज दिया तो सरकार का कोई भरोसा नहीं। कहीं साई की बेइज्जती कर दी तो? साई अपमान और सम्मान की बातों से परे है। तू नहीं समझेगी बेटी, मजबूर हूं मैंने जो कागज में लिख के दिया है उसका। पापा, मैं तो मजबूर नहीं हूं, मैं आपके फैसलों का बोझ जरूर उठाऊंगी। लेकिन अशोक तो बहुत छोटा है, अगर हमने उसे अपने साथ मजदूरी करने दी तो वो गलती नहीं गुनाह होगा। उसकी जिंदगी जीने दीजिए। साई, आप मुझे अपने से दूर क्यों करना चाहती हैं? सुमति,
जितना प्यार तू अशोक से करती है ना, उतना ही वो भी तुझसे करता है। इसलिए वो तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ ताई, अब जो भी होगा हम सब साथ में उससे निपटेंगे। खाओ राजा, खाओ। आज का ये आखिरी दिन है जब तुम्हें ये रूखा सूखा खाना पड़ रहा है। कल से तो हमारे घर में चार चार नए नौकर होंगे जो दिन रात हमारी सेवा करेंगे। मिलो। फिर तुम रोज पूरन पोली खाना, पकवान खाना। वो चार लोग नौकर है नहीं, उन्हें बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि उनका खून ही चूस लो। याद रहे, उन चार लोगों में से दो बच्चे हैं। अहो, मुझे भी ये सब ठीक नहीं लग रहा है। हमें उनके साथ इंसानियत दिखानी चाहिए बाबा। मैं तुम्हें कभी बताता हूं केशव कि तुम्हें अपना व्यापार कैसे करना चाहिए। आहो, लेकिन हमारे घर में काम करने के लिए पहले से ही लोग हैं। किसी का हंसता खेलता परिवार हो और उन्हें गुलाम बनाकर उनके हाय लेना ठीक होगा क्या? समझे तो। कर्ज राघव ने लिया है बाबा, ना चुका पाए तो खुद काम करके उधार चुका दे। यहां तक बात समझ में आती है, लेकिन उसका परिवार क्यों? आप दोनों को तो बस दूसरों का सुख नजर आता है, और अपने परिवार का क्या? हाँ, अपने सारे नौकर शाम को अपने अपने घर चले जाते हैं। अब आराम मिलेगा जब पूरे दिन रात चार लोग हमारी सेवा में रहेंगे। और आप ही बताइए, क्या राघव खाना पका पाएगा? नहीं ना, उसकी बीवी खाना पकाएगी और उसकी बेटी को हम अपनी राजा की आया बनाएंगे। मुझे कोई आया वाया नहीं चाहिए। साई ने सिखाया है कि सबको खुद का काम खुद करना चाहिए। चुप, बड़े बात कर रहे हैं ना सासू माँ। आप भी ना, दिन भर काम करती रहती है। अब जब किस्मत हाथ खोलकर दे रही है तो आप है कि पल्लों में गांठ बांधकर बैठी है। ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही तो ये हुआ है कि केशव को तुम्हारे जैसे पत्नी मिल गई है, जिसकी अपनी सोच है, अपनी बुद्धि है। स्वार्थ और बुद्धि दोनों अलग अलग चीजें हैं बाबा। स्वार्थ? कैसा स्वार्थ? ससुर जी ने अगवा नहीं किया उसके परिवार को। वो राघव खुद आया था या पैसे मांगने, और खुद कर्जे की शर्तों पर राजी भी हुआ था। जब उसे शर्म नहीं आ रही अपने परिवार को गिरवी रखते हुए, तो आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? महाभारत में भी पांडवों ने द्रौपदी को दांव पे लगाया था। गलती उनकी थी, लेकिन द्रौपदी का अपमान करना या ना करना ये तो कौरवों के हाथ था। कौरवों ने अपने अहंकार में क्या किया और उसका परिणाम क्या हुआ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। बस हो गया केशव,
इसके बारे में मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। और अगर किसी को तकलीफ है, समस्या है, तो वो घर छोड़ के जा सकता है, क्योंकि यहां वही होगा जो मैं चाहूंगा। हम आ गए सरकार। हरिओम। वाड़े के पीछे एक झोपड़ी है, वहां रहोगे तुम लोग, समझे? जी सरकार। कल सुबह मैं और मेरी बहू तुम लोगों को क्या काम करना है वो समझा देंगे। हरिओम। काका, आप लोगों ने खाना खाया है? मैं खाना लगा देता हूं। अपनी कड़वाहट से मेरी भूख तो मार दी तुमने, और इन भिखारियों के लिए तुम खाना लगा रहे हो? ये मेरा इतना ऋणी है इस समय कि इसे अपने हिस्से का भी खाना मुझे देना चाहिए। कल से काम के बदले में रोटियां मिलेंगी, आज उपवास कर लो, और फिर पता चलेगा ऋण लेकर ना चुकाने का परिणाम क्या होता है। घर आए हुए जानवर को भी भूखा नहीं भेजते पिताजी, और ये तो इंसान है। दास है ये, दास। और दास के कोई अधिकार नहीं होते, मानवता के नाते भी नहीं। मैं अपनी इंसानियत नहीं भूला हूं पिताजी। मुझे बताइए कितना कर्ज है इनका, मैं चुका दूंगा। अच्छा, खुद कितना कमा लेते हो तुम केशव, जो मुझे पैसे देने चले हो? और अगर पैसे लौटाने ही हैं, तो मेरे वो पैसे लौटा जो मैंने तुम्हारे शिक्षा पर खर्च किए। लंदन में रहने का, वहां पढ़ने का कितना खर्चा हुआ है मेरा पता है? 50,000 रुपए, जो तुमने सारे के सारे मिट्टी में मिला दिए। लौटा? और अगर नहीं लौटा सकते तो अपना मुंह बंद रखो। और मेरी दया भी देखो, मेरी महानता भी देखो। अगर मैं चाहता तो इनका छत छीन सकता था, लेकिन मैंने इन्हें रहने के लिए कर दिया है। केशव भाऊ, आप हमारे कारण अपने पिताजी से मनमुटाव मत कीजिए। हमें तो अब ऐसे भी इस तरह जीने की आदत डालनी होगी। ए, दास है ना, जब तू सुबह आएगा और रात को जाएगा, तब तुम चारों दोनों समय मेरे सामने घुटने टेक कर मुझे प्रणाम करोगे। सरकार, आप जो चाहे हमसे करवा लीजिए। आप कहेंगे तो हम दो बार क्या, दिन में 10 बार आपके आगे घुटने टेकने के लिए तैयार है। लेकिन अरे बच्चे, सरकार
सबके सब दोषी हो तुम। ये तुम्हारी बेटी तू ही लेके आई थी ना उस फकीर को, जब तुम लोग उस पाखंडी के सामने झुक सकते हो तो मेरे सामने भी झुकना पड़ेगा। और तेरा ये बेटा, इसका दोष क्या है जानती है? इसका यही दोष है कि इसने तुम्हारे घर में जन्म लिया। देख क्या रहे हो? पता नहीं आपके घर में जन्म लेके मैंने कितना बड़ा पाप किया है। पाप? ये तुम क्या कह रहे हो केशव? तुम्हें दिख नहीं रहा है कितनी समृद्धि है इस घर में? पाप है, पुण्य है, मुझे बहुत फल रहा है। हरिओम हरिओम। साई, आप हमेशा कर्म को महत्व देते हैं, लेकिन क्या सच में इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है? कुलकर्णी सरकार को देखिए, इतने सालों में उन्होंने क्या क्या बुरा नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनका अपना जीवन बड़े आराम से कट रहा है, उन पर कभी कोई मुश्किल नहीं आती, खुशी खुशी जी रहे। मुझे ये बताओ भीवा, खुशी क्या होती है? सबके लिए खुशी अलग अलग होती होगी साई, जब मुझे पता हो कि मेरे पास उतने पैसे हैं कि अगले महीने परिवार का पेट कैसे भरूंगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। विवा, खुशियां और जरूरतें दोनों अलग चीज है। तुम्हें पैसे चाहिए ताकि तुम अगले महीने अपने परिवार का पेट भर सको, ये तुम्हारी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है। अगर कोई तुम्हें अथाह पैसे दे और कहे कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो, शिरडी को छोड़ दो, तो क्या तुम्हें खुशी होगी भीवा? नहीं साई, परिवार और शिरडी को छोड़ के पैसों का क्या करूंगा मैं? इसका मतलब ये है कि पैसों से नहीं, परिवार से तुम्हारी खुशी है। अब बात करते हैं कर्मों के फल की। विवा, तुम्हारे पहले के कर्मों का फल ये है कि तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला है, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल ये भी है कि तुम उस परिवार की कीमत समझ सकते हो। मालिक ने तुम्हें उतना विवेक दिया है, इतना कुछ सहने के बाद भी
तुम ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से नहीं भरे। ये है तुम्हारे कर्मों का फल। तुम सुख से सोते हो, चैन की नींद सोते हो, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। जो भी तुम्हारी इज्जत करता है, दिल से करता है, डर से नहीं, ये है तुम्हारे कर्मों का फल। लेकिन जब कोई इंसान दूसरों के दुख में अपना सुख देखता है तो वो बहुत असुरक्षित होता है। अपनी दुर्बलता को छुपाने के लिए वो अपना शक्ति प्रदर्शन करता है। वो ये समझ ही नहीं पाता कि उसकी असली दौलत तो उसके परिवार के वो लोग हैं जिनका वो सम्मान ही नहीं कर रहा है। इसीलिए कर्म करो, सही कर्म करो, ताकि उसके फलों में सुख का अनुभव कर सको। अच्छे कर्म किए जाए तो जीवन सफल है। सफाई करेंगे तो सारे कीड़े भाग जाएंगे। और छोटा है तो अच्छा है ना, अब हम एक दूसरे के और पास रहेंगे। पहले तो अपने कमरे में अलग सोता था और कभी कभी रात में जब जोर से बिजली कड़कती थी तो डर जाता था ना। अब तो हम सब एक साथ सोएंगे तो तुझे कोई डर नहीं लगेगा। ताई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है? कुछ भी नहीं है खाने को, आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। भूखे पेट? पानी पीकर पेट भर लो और सो जाओ। जितना जागोगे उतनी ज्यादा भूख सताएगी। लेकिन आई, अच्छों को भूखे पेट नींद कैसे आएगी? और अगर नींद आ भी गई तो वो सोएगा कैसे? उसे हमेशा जमीन पे कुछ बिछा कर सोने की आदत है, पर ओढ़ने के भी तो उसे कुछ चाहिए होगा। तेरे बाबा ने हमें ऐसे हाल में लाकर खड़ा कर दिया है कि काश इन्होंने उस वक्त हमारी बात सुन ली होती। सुमति, समझ ले, हम तेरे बाबा के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। जितनी जल्दी ऐसे जीने की आदत डालेंगे अच्छा होगा, तकलीफ कम होगी। नहीं आई, ये हमेशा के लिए नहीं है। मैं नहीं मानती, सही रास्ता दिखाएंगे और तब तक हमें अशोक को हिम्मत नहीं हारने देना है। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो मन लगा के पढ़ेगा, बाकी हम सब देख लेंगे। मैं सरकार के पास से कोई पुराना कंबल मांग के आती हूँ। पागल हो गई है तू? सरकार के पास जाएगी, वो तुझे खरी खोटी सुनाएंगे, अपमान करेंगे तेरा। अपने भाई के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ।
बेटी, ये तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक बच्चे की आजी भी हूं। और अगर घर में दो बच्चे ठीक से नहीं सो पाए तो मैं कैसे सो पाऊंगी? ये ले। खाना देने से मना कर दिया तो कंबल लेकर आ गई? ओहो, ये पुराना है और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है, कम से कम उस पर तो तरस खाइए। चुप! मैं क्यों तरस खाऊं? फकीर के भक्त है ना ये, उसका गुणगान गाते हैं ना, तो वो तरस खाए इन पर, कोई चमत्कार दिखाए। अरे कंबल पुराना है ना, पुराना है ना ये। इधर दे। हरिओम, हरिओम, ये मेरा घर है और उस फकीर के किसी भी भक्त पर यहां कोई तरस नहीं खाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज साई ने मुझे सिखाई थी, जिसने हमेशा मुझे संकटों से बाहर निकाला है, और वो है रामकृष्ण हरि का जाप। रामकृष्ण हरि, सरकार सही कह रहे हैं, जिसके सर पे आपका हाथ हो उसे किसी और से कुछ मांगने की क्या जरूरत है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को कोई कष्ट मत होने दीजिए। राम जी भला करें। साई, आपके सोने का इंतजाम कर दिया है। बीवा, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हारी राह देखते होंगे।
साहिब, आपके चेहरे पर ये शोक क्यों? किसी और के किए का कष्ट किसी मासूम को भुगतना पड़े तो दुख तो होता ही है। मैं बस इतना जानता हूं साहिब, जिसके लिए भी आपकी आंखों में नमी आए उसके कष्ट ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। चलता हूं साहिब। राम जी ने किस्मत में जितनी परीक्षा लिखी है वो तो हम सबको देनी ही होगी, लेकिन राम नाम वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हर पीड़ा दूर हो जाती है। तुम ठीक कह रही हो रामा, सब मेरी वजह से ही हुआ है। कैसा नालायक बाप हूं मैं, दो बच्चों का घर संवारने के लिए दो बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बाबा, साई कहते गलती सुधारने का पहला कदम है गलती मानना। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। सरकार के यहाँ एक बार गुलाम बनने का मतलब है अब सारा जीवन ऐसे ही कटेगा। किसी भ्रम में मत रहना तुम। और ये जो भूख है जिससे हम सब तड़प रहे हैं यही अब हमारा भविष्य है। कोई माने या ना माने मुझे पूरा विश्वास है साई हमारी मदद जरूर करेंगे। तू बोल साई को, अब भी करे हमारी मदद। कहाँ है उनका चमत्कार? एक चीज साई ने मुझे सिखाई थी जिसने हमेशा मुझे संकटों से बाहर निकाला है और वो है राम कृष्ण हरि का जाप। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। सह के ही पत्थर ईश्वर है कहलाए,
घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए, दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरी गुण गा, प्रभु जी करे सहाय। ओ साई आप सबको भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट भर गया हो? हाँ, तुम्हें भी जैसे भूख खत्म हो गई हो। मेरी भी। ताई, मेरा भी पेट भरा हुआ लग रहा है। कैसे हुआ ये? जब साहिब पे विश्वास हो कुछ भी मुमकिन है। ये साई का चमत्कार है, और क्या हो सकता है? ये साई की तो लीला है। ताई, पेट भर गया, अब नींद आ रही है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। साई कंबल और तकिया दे सकते हैं क्या? साई ने थोड़ी मदद की, अब थोड़ा हमें भी सहन करना होगा। और तकिया और कंबल नहीं है तो क्या हुआ? तुझे याद है जब आंगन में धूप में तू पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते पढ़ते थक जाता था और मेरे गोद में सो जाता था? समझ जा, आज भी वही समय है। और मेरी गोद में सर रखकर सो जा, और अगर ठंड लगे ना तो राम कृष्ण हरि का जाप कर। राम कृष्ण हरि। शीश झुकाए ओम साई, ओम साई, ओम साई।
कुछ मुश्किलों में तुम्हें सहायता मिलेगी, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना तुम्हें खुद करना होगा। इस संकट का सामना तुम कैसे करती हो यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। राम जी तुम्हें उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और सद्बुद्धि दे सुमति। आहो, आप नौकरी छोड़ के करेंगे क्या? साईं का नाम स्मरण, साईं की सेवा, अब तो वो पाना चाहता हूं जो जीवन के अंत तक नहीं, जीवन के बाद भी मेरा साथ ना छोड़े। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। आप जो कुछ भी त्याग रहे हैं उसमें कहीं हम सब भी तो शामिल नहीं है ना? जिनके साथ साईं चरण है उन्हें डर कैसा? वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं कितने दिन ये गृहस्थी का जीवन जी पाऊंगा। ये गृहस्थी की जिम्मेदारियां साईं सेवा में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अगर ये गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं होती तो मैं शिरडी में साई के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाता। अब मैं इन सबसे मुक्ति चाहता हूं। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। केशव, आज इतनी रात को नींद नहीं आ रही थी। अपराध बोध जैसा नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। क्योंकि अपराध बोध है साईं। जब बचपन में पिताजी को किसी बेगुनाह पर अत्याचार करते हुए देखता था तो हमेशा सोचता था कि बड़ा होकर ये सब रोक दूंगा, लेकिन आज भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाता हूं। मेरी आंखों के सामने पूरा परिवार असीम दुख और संकटों में, और उन संकटों का कारण मेरे अपने पिताजी, मेरी पत्नी है। ये बात जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपनी ये मजबूरी ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अपने ही घर में इतना बड़ा पाप होने से नहीं रोक पा रहा हूं मैं साईं। केशव, उन चींटियों को देख रहे हो? जी साईं। जरा देखो तो वो कहां से आ रही हैं?
चीटियां तो पेड़ के नीचे से आ रही है। जानता हूं, बैठो। पहले उन चीटियों का घर वहां उस पेड़ के नीचे था, लेकिन वहां अक्सर पानी भर जाता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तब मैंने क्या किया जानते हो? क्या साईं? इंतजार। जब फिर से उनके घर में पानी भरा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो घर ठीक नहीं, इसलिए वो अब एक नया घर बना रही है वहां, जो ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? केशव, जीवन में कष्ट कुछ सिखाने या समझाने के लिए आते हैं। जब हम सोच समझकर कोई गलती करते हैं, तो ये दुख हमें सबक सिखाने आते हैं। हम किसी से सुख दुख बांट सकते हैं, किसी के हमदर्द बन सकते हैं, लेकिन किसी का कर्मफल नहीं बांट सकते। तुम भी नहीं। जो गलतियां राघव ने की थी, उनका फल उसे ही भुगतना होगा, और कुलकर्णी सरकार के कर्मों का जवाब उन्हें ही देना होगा। इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो, ना मैं। हम सबके प्रति अपनी करुणा और अनुकंपा बनाए रखें, बस। लेकिन इंसानियत के नाते क्या हम कुछ नहीं कर सकते? राघव ने कर्ज लिया है, लेकिन उसका दंड परिवार को क्यों? मैं उनकी सहायता तो कर सकता हूं। केशव, सब राम जी की मर्जी है। इंसान तो बस उनकी कठपुतली है। अगर राम जी के मन में होता तो तुम उनकी मदद जरूर कर सकते, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब राम जी के मन में कुछ और है। वो उस चीज को देख पा रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। एक बात समझ लो केशव, पेड़ का एक पत्ता भी राम जी की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता है। फिर ये तो लोगों का जीवन है, इसलिए खुद को अपराधी मानना छोड़ दो। वक्त आने पर राम जी सब ठीक कर देंगे। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, रात बहुत हो रही है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। सारे कीड़े भाग जाएंगे। और छोटा है तो अच्छा है ना, अब हम एक दूसरे के और पास रहेंगे। पहले तो अपने कमरे में अलग सोता था, और कभी कभी रात में जब जोर से बिजली कड़कती थी तो डर जाता था ना। अब तो हम सब एक साथ सोएंगे तो तुझे कोई डर नहीं लगेगा। साई, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को नहीं है?
कुछ भी नहीं है खाने को। आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। भूखे पेट? पानी पीकर पेट भर लो और सो जाओ। जितना जागोगे उतनी ज्यादा भूख सताएगी। लेकिन आई अच्छो को भूखे पेट नींद कैसे आएगी? और अगर नींद आ भी गई तो वो सोएगा कैसे? उसे हमेशा जमीन पे कुछ बिछा कर सोने की आदत है, पर ओढ़ने के भी तो उसे कुछ चाहिए होगा। तेरे बाबा ने हमें ऐसे हाल में लाकर खड़ा कर दिया है कि काश इन्होंने उस वक्त हमारी बात सुन ली होती। सुमति समझ ले, हम तेरे बाबा के पापों का प्रायश्चित कर रहे हैं। जितनी जल्दी ऐसे जीने की आदत डालेंगे अच्छा होगा, तकलीफ कम होगी। नहीं आई, ये हमेशा के लिए नहीं है। मैं नहीं मानती, सही रास्ता दिखाएंगे और तब तक हमें अशोक को हिम्मत नहीं हारने देना है। उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, वो मन लगा के पढ़ेगा, बाकी हम सब देख लेंगे। मैं सरकार के पास से कोई पुराना कंबल मांग के आती हूँ। पागल हो गई है तू? सरकार के पास जाएगी, वो तुझे खरी खोटी सुनाएंगे, अपमान करेंगे तेरा। अपने भाई के लिए मैं सब कुछ सह सकती हूँ। बेटी ये तुम्हारे लिए। मैं सिर्फ एक माँ ही नहीं, एक बच्चे की आजी भी हूं। और अगर घर में दो बच्चे ठीक से नहीं सो पाए तो मैं कैसे सो पाऊंगी? ये ले। खाना देने से मना कर दिया तो कंबल लेकर आ गई? ओहो, ये पुराना है और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी है, कम से कम उस पर तो तरस खाइए। चुप! मैं क्यों तरस खाऊं? फकीर के भक्त है ना ये, उसका गुणगान गाते हैं ना, तो वो तरस खाए इन पर, कोई चमत्कार दिखाए। अरे कंबल पुराना है ना, पुराना है ना ये। इधर दे। Thank you.
हरिओम हरिओम। ये मेरा घर है और उस फकीर के किसी भी फक पर यहां कोई तरस नहीं खाएगा। मुझे माफ कर दे बेटी, तुम्हारी मदद नहीं कर पाई, लेकिन एक चीज साई ने मुझे सिखाई थी, जिसने हमेशा मुझे संकटों से बाहर निकाला है, और वो है रामकृष्ण हरि का जाप। रामकृष्ण हरि, सरकार सही कह रहे हैं, जिसके सर पे आपका हाथ हो उसे किसी और से कुछ मांगने की क्या जरूरत है। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरे भाई को कोई कष्ट मत होने दीजिए। राम जी भला करें। साई, आपके सोने का इंतजाम कर दिया है। बीवा, तुम घर जाओ, तुम्हारी पत्नी और बेटा तुम्हारी राह देखते होंगे। साई, आपके चेहरे पर ये शोक क्यों? किसी और के किए का कष्ट किसी मासूम को भुगतना पड़े तो दुख तो होता ही है। मैं बस इतना जानता हूं साई, जिसके लिए भी आपकी आंखों में नमी आए उसके कष्ट ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। चलता हूं साई। राम जी ने किस्मत में जितनी परीक्षा लिखी है वो तो हम सबको देनी ही होगी, लेकिन राम नाम वो ब्रह्मास्त्र है जिससे हर पीड़ा दूर हो जाती है। तुम ठीक कह रही हो रामा, सब मेरी वजह से ही हुआ है। कैसा नालायक बाप हूं मैं, दो बच्चों का घर संवारने के लिए दो बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया मैंने। मुझे तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बाबा, साई कहते गलती सुधारने का पहला कदम है गलती मानना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। सरकार के यहाँ एक बार गुलाम बनने का मतलब है अब सारा जीवन ऐसे ही कटेगा। किसी भ्रम में मत रहना तुम, और ये जो भूख है जिससे हम सब तड़प रहे हैं यही अब हमारा भविष्य है। कोई माने या ना माने, मुझे पूरा विश्वास है साई हमारी मदद जरूर करेंगे। तू बोल साई को, अब भी करे हमारी मदद। कहाँ है उनका चमत्कार? एक चीज साई ने मुझे सिखाई थी, जिसने हमेशा मुझे संकटों से बाहर निकाला है, और वो है रामकृष्ण हरि का जाप। रामकृष्ण हरि,
राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। ईश्वर है कहलाए, घोर अग्न में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए, प्रभु जी करे सहाय। आप सबको भी ऐसा लग रहा है जैसे पेट भर गया हो? हाँ, तुम्हें भी जैसे भूख खत्म हो गई हो। मेरी भी। ताई, मेरा भी पेट भरा हुआ लग रहा है। कैसे हुआ ये? जब साहिब पे विश्वास हो कुछ भी मुमकिन है। ये साई का चमत्कार है, और क्या हो सकता है? ये साई की तो लीला है। ताई, पेट भर गया, अब नींद आ रही है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। साई कंबल और तकिया दे सकते हैं क्या? साई ने थोड़ी मदद की, अब थोड़ा हमें भी सहन करना होगा। और तकिए और कंबल नहीं तो क्या हुआ? तुझे याद है जब आंगन में धूप में तू पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते पढ़ते थक जाता था और मेरे गोद में सो जाता था? समझ जा, आज भी वही समय है। और मेरी गोद में सर रखकर सो जा, और अगर ठंड लगे ना तो राम कृष्ण हरि का जाप कर। राम कृष्ण हरि,
साई साई। साई जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम कुछ मुश्किलों में तुम्हें सहायता मिलेगी, लेकिन कुछ मुश्किलों का सामना तुम्हें खुद करना होगा। इस संकट का सामना तुम कैसे करती हो, यही तुम्हारा भविष्य तय करेगा। राम जी तुम्हें उन चुनौतियों से लड़ने की शक्ति और सद्बुद्धि दें सुमति। आहो, आप नौकरी छोड़ के करेंगे क्या? साई का नाम स्मरण, साई की सेवा, अब तो वो पाना चाहता हूं जो जीवन के अंत तक नहीं, जीवन के बाद भी मेरा साथ ना छोड़े। आप ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। आप जो कुछ भी त्याग रहे हैं उसमें कहीं हम सब भी तो शामिल नहीं है ना? जिनके साथ साई चरण है उन्हें डर कैसा? वैसे तो मैं खुद भी नहीं जानता हूं कितने दिन ये गृहस्थी का जीवन जी पाऊंगा। ये गृहस्थी की जिम्मेदारियां साईं सेवा में बाधा उत्पन्न कर रही हैं और इससे मुझे तकलीफ हो रही है। अगर ये गृहस्थी की जिम्मेदारियां नहीं होती तो मैं शिरडी में साई के साथ अधिक समय व्यतीत कर पाता। अब मैं इन सबसे मुक्ति चाहता हूं। प्रणाम साई। राम जी भला करें। केशव, आज इतनी रात को नींद नहीं आ रही थी। अपराध बोध जैसा नजर आ रहा है तुम्हारे चेहरे पर। क्योंकि अपराध बोध है साई। जब बचपन में पिताजी को किसी बेगुनाह पर अत्याचार करते हुए देखता था तो हमेशा सोचता था कि बड़ा होकर ये सब रोक दूंगा, लेकिन आज भी उनके आगे कुछ नहीं बोल पाता हूं। मेरी आंखों के सामने एक पूरा परिवार असीम दुख और संकटों में, और उन संकटों का कारण मेरे अपने पिताजी, मेरी पत्नी है। ये बात जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अपनी ये मजबूरी ही मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अपने ही घर में इतना बड़ा पाप होने से नहीं रोक पा रहा हूं मैं साईं। केशव, उन चींटियों को देख रहे हो? जी साईं। जरा देखो तो वो कहां से आ रही हैं?
चीटियां तो पेड़ के नीचे से आ रही है। जानता हूं, बैठो। पहले उन चीटियों का घर वहां उस पेड़ के नीचे था, लेकिन वहां अक्सर पानी भर जाता है। मैंने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तब मैंने क्या किया जानते हो? क्या साई? इंतजार। जब फिर से उनके घर में पानी भरा, तब उन्हें एहसास हुआ कि वो घर ठीक नहीं, इसलिए वो अब एक नया घर बना रही है वहां, जो ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन इसका मेरी समस्या से क्या संबंध है? केशव, जीवन में कष्ट कुछ सिखाने या समझाने के लिए आते हैं। जब हम सोच समझकर कोई गलती करते हैं, तो ये दुख हमें सबक सिखाने आते हैं। हम किसी से सुख दुख बांट सकते हैं, किसी के हमदर्द बन सकते हैं, लेकिन किसी का कर्मफल नहीं बांट सकते। तुम भी नहीं। जो गलतियां राघव ने की थी, उनका फल उसे ही भुगतना होगा, और कुलकर्णी सरकार के कर्मों का जवाब उन्हें ही देना होगा। इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो, ना मैं। हम सबके प्रति अपनी करुणा और अनुकंपा बनाए रखें, बस। लेकिन इंसानियत के नाते क्या हम कुछ नहीं कर सकते? राघव ने कर्ज लिया है, लेकिन उसका दंड परिवार को क्यों? मैं उनकी सहायता तो कर सकता हूं। केशव, सब राम जी की मर्जी है। इंसान तो बस उनकी कठपुतली है। अगर राम जी के मन में होता तो तुम उनकी मदद जरूर कर सकते, लेकिन तुम नहीं कर पा रहे। इसका मतलब राम जी के मन में कुछ और है। वो उस चीज को देख पा रहे हैं जो तुम नहीं देख पा रहे। एक बात समझ लो केशव, पेड़ का एक पत्ता भी राम जी की मर्जी के बगैर नहीं हिल सकता है। फिर ये तो लोगों का जीवन है, इसलिए खुद को अपराधी मानना छोड़ दो। वक्त आने पर राम जी सब ठीक कर देंगे। आपसे बात करके मन हल्का हो गया। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, रात बहुत हो रही है। प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं ओम साईं।